टॉपिक रहने वाला है वो हम जुडिशरी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि हमारा जो जुडिशरी का लेयर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो लोकल कोर्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स अगर आप देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहली बार इंडिया में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था 73-74 में, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया की जो कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। दिल्ली शिफ्टिंग का जो हुआ था कैपिटल का सीन वो 1911 में हुआ था, ये हम सभी को पता है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 28 जनवरी 1950 को जो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। जब 1950 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, उस वक्त इंडियन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जजेस थे। एट प्रेजेंट अगर आप 2021 में देखते हैं सो यू विल सी द नंबर एज 34 जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ। ये जो जजेस की संख्या बढ़ाने का काम है वो पार्लियामेंट ही का ही होता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम लोग देखने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है। अपॉइंटमेंट से पहले जरूरी ये है कि हम ये देखें कि क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये होती है दैट पर्सन शुड बी एन इंडियन सिटीजन। इसके अलावा या तो उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हाई कोर्ट जज। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाह रहा है तो वो हाई कोर्ट से उठकर ही सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे। पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस होते हैं, देन दे आर प्रमोटेड टू हाई कोर्ट जजेस एंड देन दे आर फाइनली प्रमोटेड टू सुप्रीम कोर्ट जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी को बनना है तो सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं उसका जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है एज हाई कोर्ट जज, या फिर अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास एज अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंडीशन नंबर 2 और 3 आपके फेवर में नहीं है, इवन देन अगर प्रेसिडेंट की नजरों में, प्रेसिडेंट के व्यू में आप क्वालिफाइड हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तब भी आप इस इलेक्शन अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। इसकी एक लंबी प्रोसेस रही है, केस हिस्ट्री रही है, स्टडी रही है। हम लोग पहले उन तीनों केसेस को पढ़ लेते हैं, देन हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट बेसिकली किया किस तरह से जाता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो फर्स्ट जज केस आया था 1982 में, इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहेंगे उनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगा, प्लस प्रेसिडेंट जो है किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने से पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे सजेशन लेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सजेशन है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगा। ये 1982 की बात है। लेकिन इसके बाद सेकेंड जज केस आया था 1993 में। इस सेकेंड जज केस 1993 में 1982 का जो वर्डिक्ट था उसको थोड़ा सा चेंज किया गया था और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली जज होगा उनका जो अपॉइंटमेंट है वो तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही करेगा, ये बात चेंज नहीं की गई। और ये भी कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही सजेशन लेंगे। लेकिन इस बार यहां पर ये चीज चेंज की गई कि 1982 में ये कहा गया था दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सजेशन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन 1993 में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सजेशन होगा प्रेसिडेंट के लिए कि आपको उस हाईकोर्ट के जज को एज सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करना है या नहीं करना है, ये जो डिसीजन है एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे एंड प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो द सजेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और चीज इसमें एड अप की गई थी, वो ये कहा गया था कि जो सजेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देंगे वो सजेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सोल सजेशन नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को सजेशन देने से पहले दो सुप्रीम कोर्ट के
सीनियर मोस्ट जज से सजेशन लेंगे एंड देन फिर वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा। यहां पर एक चीज ये क्लियर नहीं की गई दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सजेशन तो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है, लेकिन ये जो दो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सजेशन दे रहे हैं, इनके सजेशन का क्या रोल रहेगा ये डिसाइड नहीं किया गया था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक तीसरा जज केस आया जिसे हम लोग थर्ड जज केस के नाम से जानते हैं, जो 1998 में आया था। ये जो जज केस था ये फाइनल वर्डिट बनकर आया और आज तक हम इसी जज केस को फॉलो कर रहे हैं। इसमें ये कहा गया था दैट सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, इसको चेंज नहीं किया गया। इसके बाद ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो सजेस्ट करेंगे, जो प्रेसिडेंट को जो सजेशन मिलेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही मिलेगा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सजेशन है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था, सेकंड जज केस में ये कहा गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को सजेशन देने से पहले दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज से सजेशन लेंगे, लेकिन इस चीज को यहां पर बदला गया और ये कहा गया दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को सजेशन देने से पहले चार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज से सजेशन लेंगे। प्लस इसमें एक ऐड चीज ऐड की गई कि इन चार में से अगर तीन ने सजेशन यस में दिया है तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को यस में सजेशन देंगे। अगर इन चार में से दो ने भी सजेशन नो में दिया है तो ये जो जज हैं जिनका अपॉइंटमेंट होना था उनका अपॉइंटमेंट यहां पर नहीं हो पाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ये प्रोसेस निकलकर सामने आती है थर्ड जज केस 1998 में, दैट किसी भी हाई कोर्ट के जज या सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है उस सुप्रीम कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन के आधार पर हम ये देखेंगे और थर्ड जज केस के वर्डिट के साथ हम ये देखेंगे दैट सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सजेशन लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को सजेशन देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जज से सजेशन लेंगे और उन चार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज में से कम तीन जजेस का हां कहना जरूरी है तभी वो अपॉइंटमेंट फाइनल हो पाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिफिकेशन जजेस का और उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस देख ला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका रिमूवल किस तरीके से किया जाता है। इफ यू वांट रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ दीस काइंड ऑफ लेक्चर्स एंड वीडियोस यू हैव टू सब्सक्राइब द चहल एकेडमी YouTube चैनल। इफ यू वांट टू विजिट द करंट अफेयर सेक्शन यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड गो फॉर देयर द हिंदू एंड एडिटोरियल एंड ऑल दोज इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेयर्स। और अगर आप इन सजेशंस को सीरियसली लेना चाहते हैं जो हम इस वीडियोस में आपको दे रहे हैं, प्लस अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली ब्रांच के अलावा 24 ब्रांचेस हैं इंडिया में चहल एकेडमी की, आप हमसे डायरेक्टली वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।